कांग्रेस के पूर्व और वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी नई पार्टी हमर रास का ऐलान कर दिया है। चुनावी निर्वाचन आयोग से पार्टी के लिए सहमति मिलते ही नेताम ने छत्तीसगढ़ की 50 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का दावा किया है। साथ ही भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आदिवासी विरोध जताया है। हमर रास पार्टी के संयोजक अरविंद नेताम ने बताया कि अंग्रेजों के शासनकाल में आदिवासियों पर जो अत्याचार किया गया था, वही भाजपा और कांग्रेस के राज में भी किया जा रहा है। आदिवासियों को दिए जाने वाले 32% आरक्षण को सालों से रोक रखा गया है। इसके साथ ही बस्तर में हुए आदिवासियों के फर्जी एनकाउंटर मामले की रिपोर्ट आ जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में उन्होंने आदिवासी के साथ मिलकर खुद ही पार्टी बनाना पड़ा। नेताम ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की दावेदारी को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में 30 सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है और 20 विधानसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें हमर रास पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा क्षेत्र में भी अपने प्रत्याशी उतारने का इशारा किया है। देखिए, ऐसा है कि मैं इस बात को बहुत पहले से कह चुका हूं कि 30 में करीब करीब जितने रिजर्व सीट हैं आदिवासी के लिए, उसमें तो लड़ेंगे 20 जो जनरल सीट हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में संख्या में हमारी आदिवासी समाज के वोटर हैं, वहाँ भी आजमाएंगे अगर हमारे कैंडिडेट तैयार हो गए लड़ने के लिए। तो कुछ तैयार हो रहे हैं, पर इसके अलावा भी मैंने इस बात को कहा है कि 20 जनरल सीट में भी अन्य समाज को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। हमारी बैनर पर लड़ना चाहे कोई भी समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, अपर कास्ट हो, ये हो, अब हमारी बैनर पर लड़ना चाहे स्वागत है। अगर कोई बैनर उनकी अपनी हो और हमारी मदद चाहिए, यानी आदिवासी समाज के मतदाताओं को उनको मदद चाहिए, तो हम उनको ट्रांसफ़र करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से करीब करीब 50 का एक फिगर संख्या मान के चल रहे हैं और जो उसमें उत्साह काफ़ी दिख रहा है, जनरल सीट में भी पिछड़ा वर्ग से भी काफ़ी हम इसमें चर्चा हुई है, अन्य लोगों से भी बात कर रहे हैं, पर ये मान के चलिए पर 40 सीट हम 50 से शायद ऊपर जाएंगे, इसमें हमको शंका है। ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़ रहे इस वर्मा टाइम्स के साथ, और मैं थी आपके साथ खुशी सोहेल। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।